तो नमस्कार। तो आज हमारा ये अगला वीडियो है सेल्फ इंडक्शन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें दोस्तों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी एक फिनोमिना के द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में या किसी दूसरी चीज में या खुद उसी चीज में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाना इंडक्शन कहलाता है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी फिनोमिना के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट में कोई इंडक्शन कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ये सेल्फ इंडक्शन की बेसिक डिफिनीशन है। वैसे सेल्फ इंडक्शन का जो डिफिनीशन है वो क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड और करंट से स्टार्ट होता है। तो जब किसी सर्किट में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है करंट के चेंज के कारण, मतलब जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है और करंट में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो उस सर्किट में करंट के चेंज के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोडक्शन की जो फिनोमिना होती है उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ कहते हैं। बैक ईएमएफ इसे कहा जाता है, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल्फ इंडक्शन को हम इलेक्ट्रिसिटी का इनर्सिया कहते हैं, क्योंकि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में ये जो सेल्फ इंडक्शन है ये एक अपोजिशन का काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। अब हमने मान लिया कि ये सी एक सर्किट है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें एक प्लस और माइनस चार्ज की एक बैटरी हम यूज कर रहे हैं। तो जब इसमें हम करंट सेट करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, तो हम जानते हैं कि जब चार्ज मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब जब करंट फ्लो करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, और मैग्नेटिक लाइंस को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मतलब द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इन द यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। उस सर्किट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स उस सर्किट में करंट फ्लो के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक कांस्टेंट यूज होता है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। इसे हम सेल्फ इंडक्शन या कोफिशियंट ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं। ये किसी कॉइल का कोफिशियंट ऑफ इंडक्शन भी कहलाता है। इस सेल्फ इंडक्शन का एसआई यूनिट हेनरी होता है। दोस्तों एक सेल्फ इंडक्शन होता है, एक म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है जब करंट चेंज होता है एक क्वाइल में और उसी क्वाइल के पास में एक दूसरा क्वाइल रखा होता है, तो दूसरे क्वाइल में जब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन की भी यूनिट हेनरी होती है। जो एल की वैल्यू है जिसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, इसकी वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब क्वाइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स वायर्स लगाए गए हैं इस पर भी डिपेंड करता है। जो क्वाइल का क्रॉस सेक्शन एरिया है इस पर भी डिपेंड करता है, और जिस क्वाइल में मटेरियल में क्वाइल वाउंड होता है उस मटेरियल के कोर के नेचर पर भी डिपेंड करता है। अब दोस्तों यदि हम फ्लोइंग करंट को 1 एम्पियर ले लें तो phi equal to li से जब i 1 हो जाएगा तो यहां से phi equal to l बचेगा। इस तरह से सेल्फ इंडक्शन का जो कोफिशियंट है, मतलब कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन फ्लोइंग करंट इज 1 एम्पियर। मतलब सेल्फ इंडक्शन का कोफिशियंट या सेल्फ इंडक्शन उस मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है जबकि किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। ये बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अमाउंट है किसी क्वाइल से जब लिंक होता है तो उसमें जब यूनिट करंट फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब
हम जानते हैं कि किसी क्वाइल से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग वो होता है इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डीटी। यहां माइनस साइन की यूज किया गया है क्योंकि प्रोड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का डायरेक्शन अपोजिट होता है। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू एल आई होता है, एल चूंकि कांस्टेंट है तो यहां से इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। यदि डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू वन हो जाए तो यहां से एल इक्वल टू माइनस ई हो जाएगा। इसका मतलब सेल्फ इंडक्शन का कोफिशियंट किसी क्वाइल से रिलेटेड सेल्फ इंडक्शन का कोफिशियंट उस ईएमएफ के बराबर होता है जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिट प्रोड्यूस करता है। मतलब यदि करंट का रेट ऑफ चेंज यूनिट है तब किसी क्वाइल से रिलेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, जिसको हम एल इक्वल टू माइनस ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद दोस्तों है वन हेनरी की डिफिनेशन। तो वन हेनरी किसे कहते हैं? तो सेल्फ इंडक्शन को हम वन हेनरी कहा जाता है जब करंट चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड हो। मतलब यदि किसी सर्किट में करंट 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है तब इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर 1 वोल्ट रखा जाता है तब सेल्फ इंडक्शन को 1 हेनरी कहते हैं। मतलब यदि किसी सर्किट में 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से करंट चेंज होती है और इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट होता है तब इंडक्शन को 1 हेनरी कहा जाता है। 1 हेनरी इक्वल टू होता है 1 वेबर अपॉन एम्पियर। वेबर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इनर्जी कि जब करंट फ्लो होता है करंट फ्लो के चेंज के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसमें इनर्जी क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जब करंट स्विच ऑफ होगा या स्विच ऑन होता है, जब पहली बार स्विच ऑन होता है तो करंट के डिक्रीज होने के कारण एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। और यह करंट के चेंज होने को अपोज करता है। अगर करंट डिक्रीज होता है तो यह उसको अपोज करके इंक्रीज करना चाहता है, और अगर करंट ग्रोथ कर रहा है तो यह बैक ईएमएफ उसको डिक्रीज करना चाहता है। इस तरह से जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो बैक ईएमएफ के अगेंस्ट एक वर्क करता है। मतलब जब करंट चेंज होता है तो बैक ईएमएफ उसके अपोज एक वर्क करता है, और यह वर्क उस ईएमएफ के अगेंस्ट अगर टाइम डीटी में किया जाता है तब शॉर्ट टाइम डीटी में किया गया वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई आई डी टी। एक्चुअल में दोस्तों वर्क की डिफिनीशन होता है वी आई, और यहां से हम देख सकते हैं ई जो है ईएमएफ फार्मूला होता है। ईएमएफ का फार्मूला होता है वी क्यू। तो यहां वी की जगह हो गया ई इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, और क्यू इक्वल टू होता है आई डी टी। चूंकि करंट आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू डी टी। तो वर्क की डिफिनीशन जो भी क्यू होती है तो भी की जगह ई हो गया और क्यू की जगह आई डी टी हो गया। हम जानते हैं दोस्तों कि ईएमएफ की वैल्यू अभी हमने देखा होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, चूंकि ये भी माइनस है तो ये हो गया प्लस में। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो इस तरह से अगर करंट जीरो से एक स्टेटी मैक्सिमम वैल्यू आई जीरो तक इंक्रीज होती है तब बैक ईएमएफ के अपोजिशन में किया गया टोटल वर्क डन हो जाएगा। इसको हम जीरो से आई जीरो, जीरो मिनिमम वैल्यू है आई जीरो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये डी टी से डी टी कैंसिल होगा, तो डी आई के रिस्पेक्ट में जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन टू। जब लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट हो जाएगा आई जीरो स्क्वायर अपॉन टू, और लोअर लिमिट जीरो रखेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इस तरह से जो वर्क डन होगा वो होगा हाफ एल आई जीरो स्क्वायर, जहां पे आई जीरो मैक्सिमम वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो वर्क है यही किसी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है और करंट फ्लो के करंट में वेरिएशन होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसने उस करंट के चेंज के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस ईएमएफ के अपोजिट जो वर्क किया जाएगा वह वर्क मैग्नेटिक फील्ड के रूप में सर्किट में स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से ये
एनर्जी का फॉर्मूला हो गया इंड्यूस्ड करंट के कारण। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू।